बहुत प्यारा, बहुत दमदार वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और यकीन मानो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देंगे, गारंटेड है। और क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। मतलब ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये ब्लू मार्बल की है। देखो ये ब्लू मार्बल की ये लाइन समझो, कोमा लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एंड द प्रोबेबिलिटी, और ब्लैक की कितनी है, ये भी ब्लैक की कितनी है 1/4। यहां देखो ध्यान से, ब्लैक मार्बल की, ठीक है। और टोटल मार्बल कितने हैं ग्रीन, 11। टोटल मार्बल कितने हैं 11। तो हमें बताने हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि टोटल मार्बल कितने हैं, ठीक है। ग्रीन मार्बल 11 है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। हमें पता है, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप। हमें पता है कि भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती है, तो ऐसे लिखेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल प्लस, अब सेम यही चीज लिख लेता हूं, पी ऑफ ब्लू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल वो मार्बल प्लस पी ऑफ ग्रीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू 1। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बिल्कुल सही सर, इतना समझ में आ गया हमें। ब्लैक मार्बल की कितनी है, देखो ध्यान से, एंड द ब्लैक मार्बल की कितनी है 1/4, मतलब 1/4 प्लस कितनी है ब्लू की, कितनी है देखो ध्यान से, ब्लू की ये 1/5, और हमें ग्रीन की नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये हमें निकालनी है। तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ध्यान से समझना, क्वेश्चन मिटा रहा हूं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि टोटल 11 मार्बल है, तो ध्यान से देखना टोटल कितने मार्बल है, 11 कैसे ग्रीन, ध्यान से समझना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बोर्ड में जगह नहीं बची क्योंकि तभी इसलिए लिख लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहां पे फिर ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मतलब ऐसे लिख रहा हूं पी ऑफ ग्रीन, तो कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ध्यान से रखना, दोनों को उधर ले जाएंगे तो -1/4 और -1/5, ध्यान से करना वरना यहां गलती कर दोगे आप। ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों के साइन बदलेंगे। अब इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे, 1 माइनस, यहां पे देखना 1/4 प्लस 1/5, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना गड़बड़ कर दोगे आप। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि इसमें मैं एलसीएम ले लूं, तो 1 माइनस, यहां देखो ब्रैकेट लगाना, तो ये कितना होगा 5 प्लस 4 अपॉन 20। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 20। अब देखो ध्यान से, समझ में आ गया, ये इसलिए किया। अब इसको फिर से इसमें एलसीएम लेंगे, तो 20 माइनस 9 अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा 11 अपॉन 20। यहां तक समझ में आ गया, मतलब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11 अपॉन 20। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, बस हमारा काम हो गया, इतना आपने कर लिया। तो हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो क्या होता है भाई, फेवरेबल आउटकम, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ध्यान से देखना, हमें यही निकालना है, हमें टोटल ही निकालना है, पूछा ना कि टोटल कितने हैं, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि टोटल आउटकम इज इक्वल टू फेवरेबल ऑफ ग्रीन अपॉन, ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी थी, हमें पता था कितना था, 11 था, तो 11, और फेवरेबल ऑफ ग्रीन कितने थे, 11 लिखा था ना कि ग्रीन मार्बल कंटेन, वो जार कंटेन ग्रीन, 11 ग्रीन मार्बल, तो इसलिए 11 वहां पे आ गया, क्वेश्चन मीडिया आपको याद होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी निकाली थी हमने, वहां देखो 11 अपॉन 20, तो 11 अपॉन 20, तो ये 20 कहां जाएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा ये 11 इंटू 20 अपॉन 11, तो इस 11 से ये 11 कट गया, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 20, यही इसका आंसर है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का, बहुत प्यारा, और ये 2 नंबर के लायक है नहीं, ये कायदे से तो 3 या 4 नंबर में आना चाहिए, लेकिन नोट डाउन करना, इस साल आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझो,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, लेकिन पूरी देखना। आप लोगों को क्या ना भगा भगा के देखते हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता। एक्चुअली आप लोगों को रील की आदत पड़ी हुई है कि तुरंत स्वाइप स्वाइप करते जाओ। बेटा ये लेक्चर है, ठीक है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, और सीखने का प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे सीखते हो आप। आराम से किस टाइप समझो तभी एग्जाम में हो पाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन करो।